संसार जग दुनिया जिसमें असि सत और सुख रूप मिल रहे हैं, वास्तविक असली ऐसा नहीं। देखने मात्र ये कुछ और प्रतीत होता है, असलियत कुछ हो। जिन्हें देखार दे महीने लोगों चल रही हूं, मृग दोपहर दे वे डिब्बे चल रहे हैं, उन्होंने प्यास लगती है, गर्मी तपाती है, तहन उठा के देखते हैं। कई तो ऐसा प्रतीत होंगे जिमें जलता दरिया हो रहा है, जिसमें मृत कृष्णा का जल के नहीं, तो असल में तो पानी नहीं होंगा, उसने धर्म करके रहम करके भुल करके ज्ञान करके उसने तो तारे तारे फिर जो लाटा निकले वही दरिया वालों पानी वालों प्रतीत होया। प्यास के कारण दौड़ के मृग उत्थे जाता है, पर पानी उसे की लगना है वो होर पिछे हट जाता, होर कुछ दूर प्रतीत होने लग पैंदा है, फिर दौड़ के उत्थे जाता है वो होर पिछे प्रतीत होने लग पैंदा। इसी तरह ही थक टुट के जिस वक्त सूर्य छिप जाता है पानी में छिपने मेरे पै जाता है। तो इस करके यह जी हालत संसार की है, मृग कृष्णा पे तुरन रूठे नगर नर आई संसार की गति दसी है मृग कृष्णा दे जल्दी में, जिन्हें मृग नुत्ता रेता गर्म रेता ही पानी प्रतीत होंगे, ना वो प्यास बुझा सकता है, ना वो छिप पानी भी है, तो ना वो कुछ ठंड दे सकता है, बल्कि दुख का कारण बनता है। जो ही उसने पानी सुन के दौड़ के पीने वास्ते जाना हो तक्ष बद्दी है, वो पीछे हटता है और फिर दौड़ता है, फिर वो तक्ष बद्दी इसी तरह प्यास है, हमारे तड़ तड़ के मृग मर जाता, ना उन पानी प्रतीत होंगे ना उनकी प्यास बद्दी है, अखीर सिवाय दुख से मौत के हाथ में कुछ नहीं होंगे। यही हाल संसार है, इन्हों चीजों गलती करके बंद करके अज्ञान करके अच्छी तरह उसकी खोज ना करन करके सत और सुख स्वरूप मानता है, वास्तविक तो है जी नहीं। असल में कृष्ण के जन्म यह असत जड़ दुख रूप है, पर कृष्ण गलती करके ऐसे ही पास है, जिनी देर तक गलती दूर नहीं होंगी, वो भुल दूर नहीं होंगी, अज्ञान दूर नहीं होंगा, असली अभी सोची पहली नहीं। इसी में दूर करने वास्ते गुरु बाबा जी का सारा उपदेश, सारी शिक्षा है, थां थां ऐसा ही गुरु जी ने शिक्षा दी।